शारदीय नवरात्र के 9 दिनों की पूजा और विजयादशमी के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर जगह जगह की गई पूजा के बाद कलश और प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया। इसको लेकर भागलपुर जिले के शहरी और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी मां दुर्गा का जयकारा लगाते हुए प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली गई। वहीं प्रतिमा विसर्जन के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर दुर्गा पूजा महासमिति समेत विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित प्रतिमा का विसर्जन गंगा घाट के किनारे बनाए गए कृत्रिम विसर्जन घाट पर किया गया, जबकि कई जगहों पर माता की प्रतिमा का विसर्जन विभिन्न पोखरों और तालाबों में भी किया गया। इसको लेकर शहर के सभी मार्गों पर सरकारी निर्देश के अनुसार दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी की तैनाती देखी गई, जहां विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा कर माता को नम आंखों से विदाई दी और हर हर महादेव मां दुर्गा समेत कई देवी देवताओं का जयकारा लगाया। इधर विसर्जन के दौरान माता का जयकारा लगाते हुए फिल्मी और भक्ति गीतों पर झूमते हुए युवाओं ने जमकर मस्ती की, जबकि प्रशासन की ओर से की गई सुरक्षा व्यवस्था के बीच देर रात तक विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। इसके अलावा पुलिस जिला नवगछिया स्थित प्रसिद्ध तेतरी दुर्गा मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में नियम पूर्वक किया गया। इस दौरान भारी संख्या में माता के भक्तों ने देवी से मनोकामना पूर्ति का वर मांगा और मां दुर्गा के जयकारों के बीच प्रतिमा का विसर्जन किया। बिहार में एक नशेड़ी पिता अपने ही पुत्र का हत्यारा बन गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के महोता गांव में एक नशेड़ी पिता दीपक सिंह ने अपने मासूम पुत्र राघव कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को लेकर मृतक राघव कुमार की मां ने बताया कि विजयादशमी की देर रात के बाद सुबह करीब 3 बजे उसके पति पूजा पाठ कर रहे थे और उनका पुत्र राघव वहीं पर सोया हुआ था, जबकि बाद में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि सुबह उनके पति पुत्र को डॉक्टर के यहां ले जाने के बदले दफनाने ले जा रहे थे, तभी इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली और इसके बाद मृतक को डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया, जहाँ गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने राघव को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इधर नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर ग्रामीणों ने बताया कि मृतक का नशेड़ी पिता दीपक सिंह झाड़ फूंक और जादू टोना सीख रहा था और नशा या अंधविश्वास के चक्कर में ही उसने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि इसकी जानकारी मिलने पर अमरपुर पुलिस पदाधिकारी चंचल कुमार और पवन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक पेन ड्राइव, सेंसर युक्त कैमरा, तलवार, कुदाल और पूजा पाठ की सामग्री को भी जब्त कर लिया है, जबकि फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करते हुए इस मामले की जाँच में जुट गई है। अभी हम जब जो बोले बुतरुआ बोल रहे थे कि मांगे नुनू को मन तबियत खराब है, सब लेकर भाग गया है, मार कर फेंका माँ माँ के भाई के बापक नहीं जा मारी देना भाई गरिया पर ले जा केकरे ने कल से मारी फेकल जाए गरो मारी दे फेकल जाए हमरो बेटा पर घर है मारी देना तब हमे उठलिए उठलिए त हमे यहां आबी गेली बच्चा घर जबो ने कर छोटा दाद दिया वो रहते थे। उसके बाद मेरा फोन किया, मरने के बाद लोग को दिखाने के लिए गया कि हमें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल लेके रास्ते से घूर के दिखा दिया खाली के हम हॉस्पिटल लेके। आपका नाम क्या है? अमित कुमार संबरसा। बच्चा क्या नाम था? बच्चा का नाम राघव कुमार। कितना उम्र था बच्चा का? 7 साल। बच्चा क्या भाई था? बच्चा अकेले भाई था। आपकी बहन की शादी कब हुई थी? बहन की शादी हुआ था तो हो गया 8 साल। क्या नाम है बहन? खुशबू कुमार। एक ही बच्चा था? एक ही बच्चा। वो गिरफ्तार हुआ? वो गिरफ्तार हुआ। बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण को खत्म किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब नए सिरे से चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इस बीच नीतीश सरकार निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इसको लेकर गुरुवार को आयोग की बैठक हुई, जिसमें नए सिरे से नगर निकाय चुनाव की तैयारी करने के लिए निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि आयोग को इसमें 3 से 4 महीने
का समय भी लग सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि दिसंबर के अंत तक चुनाव प्रक्रिया पुनः निर्धारित कर ली जाए, जबकि राज्य सरकार ने अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों का अनारक्षित करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है। मेरा नाम नवल किशोर कुशवाहा हुआ और मेरा एज 38 साल हुआ। मेरा घर बेतिया जिला के मझौलिया प्रखंड में हुआ। मैं शुगर टेस्ट जहां करा रहा था वहां से मालूम चला इस डॉक्टर साहब के बारे में, तो मोतिहारी जिला के रामगढ़वा प्रखंड में एक शिक्षक यहां इलाज चला रहे थे और वो ठीक हो गए थे, उनके माध्यम से मालूम चला तो यहाँ आए। उस समय मेरा शुगर लेवल लगभग 260 था और उस समय बहुत कमज़ोर भी था, तो यहाँ आके इलाज करना शुरू किया। इलाज लगभग 3 महीना दवा खाए। 3 महीना दवा खाने के बाद अभी हम दवा छोड़े हुए मेरा 2-2.5 महीना हो गया। कभी कभी मिठाई भी खा लेते हैं, खीर भी खा लेते हैं। अभी शुगर लेवल मेरा 105 है। मेरा नाम इंडी अंसार है, मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराए लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज जल्द से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं।
बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हेमराजपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक अधेड़ जख्मी हो गया। जख्मी अधेड़ कमर प्रसाद दुबे का प्राथमिक उपचार अमरपुर के रेफर अस्पताल में किया गया। वहीं इसको लेकर अस्पताल परिसर में इलाजरत कमल दुबे ने बताया कि वो घर में अपने पुत्र अंकेश दुबे के साथ बलि का प्रसाद बना रहा था, तभी किसी ने उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर गांव के ही शंभू दुबे के साथ कई लोग हथियार से लैस होकर खड़े थे और उसे देखते ही बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए बंदूक की बट से पीटना शुरू कर दिया। इधर हल्ला हंगामा की आवाज सुनकर उनका पुत्र अंकेश दुबे और पत्नी मीना देवी बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन हमला करने वालों ने उसके पुत्र की पिटाई कर दी और उनकी पत्नी की साड़ी खींचकर उनके साथ भी मारपीट की। वहीं हंगामा बढ़ता देख गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और सभी ग्रामीणों के विरोध पर सभी आरोपी घर को अस्त व्यस्त कर वहां से अपनी जान बचा कर भाग गए। इसको लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मेरे साथ में घर घुस करके बम दुबे, छोटू दुबे, शंभू दुबे, शंभू दुबे के हाथ में गड़ास, बम दुबे कैलाश दुबे के हाथ में बंदूक, छोटू दुबे प्रशांत दुबे के हाथ में थ्रीनर, ये लेकर के हमारे 6:30 बजे रात में घर घुस गए। घर घुस में हम प्रसाद बना रहे थे दुर्गा माँ का, इतने में घर घुस करके मेरे साथ मारपीट और कुंडा से मारना शुरू कर दिया। बोला तुम वोट नहीं दिए हो, तुम्हारा जान मार देंगे। इतने में हमारा लड़का उधर से निकला तो मेरे लड़का के सीना में सटा दिया प्रशांत छोटू दुबे ने बंदूक, वोट नहीं देने के कारण। बोला साला मादर चोर, तुम वोट हमको नहीं दिए हो रे, तुम लोग जान मार देंगे, हमको जीने नहीं देंगे, तुमको इस दुनिया में रहने नहीं देंगे बाप बेटा को।